बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव ने आज शांतिपूर्ण तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर वर्धन यादव की माता, चाचा और धर्मपत्नी भी उपस्थित रहे। नामांकन के पश्चात बादशाहपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीपेंद्र हुड्डा ने हिस्सा लिया। वर्धन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बादशाहपुर विधानसभा परिवार के हर साथी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और समर्थन से हम विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मिलकर हम इतिहास रचेंगे और क्षेत्र के विकास हेतु नए आयाम स्थापित करेंगे। वही जनसभा में मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा, वर्तमान सरकार ने केवल जुमलेबाजी और भ्रामक वादों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया है। यह सरकार किसानों, जवानों और आम जनता के अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। हमें इसे हरियाणा से दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्धन यादव का शांतिपूर्ण नामांकन यह दर्शाता है कि वे विकास और सेवा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और यह हमारे समर्पण और निष्ठा की पुष्टि होगी। हम मिलकर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नामांकन के साथ साथ कौन कौन से दावे दाखिल कर रहे हो? देखिए, ये चुनाव वर्धन यादव का चुनाव बादशाहपुर विधानसभा से बादशाहपुर की समस्त जनता, 36 बिरादरी की जनता लड़ रही है। दावे केवल वही है जो 10 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार ने हमारे गुड़गांव को लूटने का काम किया है, जो गुड़गांव के साथ भेदभाव करने का काम किया है, चाहे सड़क है, शिविर है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, खेल की व्यवस्था है, इन पर विस्तार से हम लोगों को साथ लेकर के, जन जन का आशीर्वाद लेकर के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों की दुआएं लेकर के, युवाओं का बल लेकर के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपकी उम्र के साथ 63 साल की उम्र के एक नेता को तुलना की जा रही है कि कैसे हरा पाएंगे। वो दावा कर रहे हैं कि एक तरफा जीत मुझे है, शांति से नामांकन वो दाखिल दायर कर रहे हैं, मेरे शोर शराबे की आवश्यकता नहीं और मैं जीत कर आऊंगा। ऐसे में कैसे इस चुनौती को से निपट पाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हार और जीत का फैसला कोई प्रत्याशी नहीं कर सकता। हार और जीत का फैसला लोकतंत्र में, लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। लोकतंत्र में हार और जीत का फैसला जनता करती है। जो भी जनता का निर्णय होगा वो सरमाथे पर होगा। वर्धन जी, कल महापंचायत में कांग्रेस हाईकमान द्वारा दिए गए लेटर भी आपने अध्यक्ष की झोली में रख दिया, जरा वो बता दीजिए वो क्या चीज थी जो आपने झोली में रखी थी? देखिए, मेरा, मैं मूलभूत से बादशाहपुर गाँव का निवासी हूँ। बादशाहपुर में मेरा जन्म हुआ, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि बादशाहपुर गाँव। तो जब गाँव की 36 बिरादरी ने पंचायत की और मुझे उस पंचायत का निमंत्रण दिया, तो जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, जो इस बच्चे को, इस भाई को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर के चुनाव लड़वाने का काम किया था, वो टिकट मैंने अपने गांव समाज की झोली में डाल करके ये कहा था कि आज से ये चुनाव बादशाहपुर का चुनाव है, 36 बिरादरी का चुनाव है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का चुनाव है। ठीक,